तो लो जी, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग समझ लो, चाहे गुड आफ्टरनून समझ लो, बीच का टाइम हो रहा है यार। न सुबह है और न दोपहर है, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और उसके जस्ट बाद में मैं एक कवि को याद कर रहा हूँ 2-3 दिन से। वो कवि प्रेम के कवि माने जाते हैं शायद, जहां तक मेरा आइडिया है, सबको इस चीज का पता होगा, मुंशी प्रेमचंद, जो कि प्रेम के कवि कहे जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं। और वैसे मेरे तो जब हिंदी से मैंने MA किया था, तो मैंने मुंशी प्रेमचंद को ही वो किया था। तो उनका एक दोहा है, उस दोहे के अंदर लिखा है कि मन की रुचि जित जैसी तित तैसी रुचि होई। ठीक है, लगभग सब बहुत सारे लोगों को ये सुना हुआ भी होगा, और ये पूर्णतः सत्य भी है कि जहां इंसान की जैसी रुचि होती है किसी भी चीज में, ये समझ लो यहां तक कि खाना खाने में, कि किसी भी इंसान को खाना खाने की इच्छा कब होगी, जब उसके पेट के अंदर भूख होगी। जब भूख नहीं है तो उसको कितना ढूंढते रहो, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, इच्छा ही नहीं है यार उसकी। और जब इच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। छोटी सी चीज सबसे मेन अपन आ गए खाने पे, उसके बाद में मतलब कि अब क्या बताऊं यार, मैं गंदा से गंदा कहूं तो ये कहूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि शादी के इतने साल हो गए तो आदमी का मन भर जाता है, या औरत का मन भर जाता है, या फिर दूसरी एक चीज कहूं कि बहुत से जोड़े मैंने खुद ने देखे हैं जिनमें औरत इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है, वैसे तो कोमल तो होती होती है, वो तो स्वाभाविक है, भगवान की कृति है वो तो। और आदमी को देखो तो वो इतना, खैर कुरूप नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, कि वो एक भगवान की बनाई हुई रचना है। जो भी, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, जो कुछ भी है, वो भगवान की बनाई हुई रचना है। उसको मैं कुरूप नहीं कह सकता कि गंदा भी नहीं कह सकता, लेकिन उसको देखते हुए अगर देखें तो वो क्या बोलते हैं यार, कंप्रोमाइजन वगैरह जो बोलते हैं, उस तरीके से कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो भी तो प्रेम से रहते हैं। और ऐसे भी देखें कि आदमी कितना भी सुंदर हो और औरत वैसे हो, मान कम सुंदर हो, लेकिन इस चीज का नहीं, सबसे मेन चीज तो इंसान को कभी भी चाहे कोई अच्छा नहीं लगता, साले को बाड़ में जाने दो, फूको, माचिस की तीली लगा, और यूट्यूबर है तो साले को देखना क्यों है, सीधी सी बात है यार। एक इंसान की बनाई हुई कृति के ऊपर, मतलब भगवान की बनाई हुई कृति पे इतना गंदा कह देना, और इंसान जो बनाता है उसके लिए तो हाथ जोड़ना, उसके पैरों में पसर जाना, अरे यार, इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, मुंह से नहीं बोलती, इंसान कम से कम भगवान की बनाई हुई है। अब ये चीजें आज मैं किस लिए बता रहा हूं कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, और मुझे अगर वो अकेला बंदा कमेंट करके जाता तो मैं उसका लगाता भी नहीं। मैं क्यों लगाया, मुझे किस लिए अच्छा लगा, कि उसने जब बोला तो उसको किसी ने जवाब दिया, वो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, 1 मिनट चालू रखो। इसका सुमित्रा ने जवाब दिया है, कुछ भी यार, हद है, क्यों नहीं लगती अच्छी आपको, नहीं लगती होगी, शर्मा जी से पूछिए, उनको कितनी अच्छी लगती है रेणु जी, और हमें तो कोई कमी नहीं लगती। तो यार इनके, आप लोग रुचि है, अच्छी लग रही है, और ये बिल्कुल सच कहा है। मैं मेरे मुंह से कैसे बता सकता हूं कि मुझे अच्छी कैसी लगती है, कैसे नहीं लगती है, बताने से होगा भी क्या यार, ऐसे तो मैं मेरे मुंह से कह दूंगा मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और पीछे से वो लोग, मैं आप रोज देखते हो, या फिर मेरे आजू बाजू में भी मेरे जो व्यूवर हैं, जो आजू बाजू में भी देख रहे हैं, उनको पता है ना कि मैं कैसा, मैं वो मेरे को कैसी लग रही है, या फिर आप लोगों में से कोई कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, तो फिर वो तो पता ही लग जाएगा, इतना बड़ा मुंह है, मुंह कर रखा सुजा के, और यार बोलना थोड़ी होती है वो चीज, रोज आप व्लॉगिंग में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो वो तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि मैं कितनी चाहता हूं। और जब मेरी ऑडियंस, और मुझे सच कह रहा हूं आज दोबारा ये बात कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ ऐसी ही ऑडियंस चाहिए, चाहे मेरे चैनल पे 1500 व्यूज आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे न कोई कमाई की परवाह, कुछ भी परवाह नहीं है, क्योंकि अब बड़े तो भाई बने ये काम करते हैं, अभी थोड़ी गर्मी में परेशान थे इसलिए थोड़ा सुकून से मजे से रह रहे थे, अभी सर्दियां शुरू होती है, अपना दोबारा सीजन चालू हो जाएगा श्राद्धों के बाद में, तो मुझे सिर्फ ऐसे ही चाहिए जो ऐसे कह रहे हैं कि हाँ जी हमें अच्छी लगती है, जो हमें अच्छा समझते हैं। बस एक बंदे का, अभी इस बंदे का मैं कमेंट सुनाता हूँ कि शर्मा जी आगे लिखा है, डबल टू
फिर TU2 बड़ा नहीं तेरे बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम्हारे साथ। अरे यार मेरी बीवी है और मेरे साथ अच्छी लगती है कि नहीं लगती वो मेरा काम है ना यार है? और कुछ बोलो आप, मैं हर बंदे की मानता हूं, वो अगर मेरे को मेरी ऑडियंस कहती है रेनू को बोलो साड़ी बांध दे, कसम से झूठ नहीं बोलता, बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है, मैं कहता हूँ साड़ी बांध दो अच्छी चीज है यार, आप लोगों को भी अच्छी लगे मुझे भी अच्छी लगे, मेरी ऑडियंस कहती है रेनू ऐसे, हाँ मानता हूँ यार, गलती जिस इंसान में उसकी गलतियां मानो ना, क्या दिक्कत है, मैं मानता हूँ भाई ये गलती है। बहुत से कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि बहुत बार ये आपकी बात काट देती है, बहुत पहले ऐसे भी आए थे अंगुली दिखाती है, तो यार अंगुली दिखाना ये चीज़ें मतलब चलती रहती हैं, क्योंकि हम जो ब्लॉग बनाते हैं हम बनाते हैं सीधा का सट, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई दिखावा करना है ऐसे है ऐसे कुछ नहीं है, अपना सीधा सेट है। और वो जो बोलते हैं कि ऐसे करते ऐसे करते, मैं मानता हूँ यार गलती है उसकी, कोई बात नहीं हो जाता है, लेकिन ये चीज यार कोई थोड़ी है यार, मेरी पत्नी है मेरे साथ अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं किसके साथ खड़ा हूँ भाई बताओ, कोई मोहल्ले वाले आ जाएगी मेरे पास में या और कहीं से आ जाएगी मेरे साथ खड़े होने के लिए और पत्नी का रोल निभाने के लिए, कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक ही है वो तो जैसी भी है वो मेरी है और मुझे अच्छी लगेगी, सीधी सी बात है यार, हम मेरे साथ आपको अच्छी नहीं लगती थी यार, मैं तो इतनी कह सकता हूँ कूणी तक हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर सकता हूँ कि यार छोड़ दो मत देखो यार, और बताओ मैं क्या कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कहूँगी क्या यार। और दूसरी यार अगर वो लेडीज हैं तो और जेंट्स हैं तो, मतलब एक दूसरे के पार्टनर की बात हो गई, क्या यार कोई छोड़ सकता है ऐसे, शायद मेरे हिसाब से तो हजारों में से भी एक पीस बनता होगा ऐसा, और हजारों में नहीं इस चीज के पीछे तो कि मेरे साथ अच्छी नहीं लगती, इस चीज के पीछे तो करोड़ों में एक मिलेगा। हाँ पारिवारिक समस्याएं या खुद का तालमेल या विचार या कुछ भी नहीं हो तब छूट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार छूटते हैं, सब में होता है चाहे वो कहीं भी हो, मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन जब सब चीजें सही हो रही सिर्फ रंग रूप के पीछे, यही तो बोल रहे हो वो कि उसका रंग सांवला है, अरे सांवला है तो यार क्या है, वो सब यही कहते हैं कि इंसान तन का सुंदर नहीं मन का सुंदर होना चाहिए, और मन जिसका सुंदर है वो ये कहते हैं ना पवित्रता से पात्रता होती है, तो वही चीज है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि यार क्या शायद मैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसको छोड़ दूं, अगर आप ऐसे होते बाई चांस, मुझे पता नहीं है कि ये कंवारी है कि शादीशुदा है आदमी है कि लेडीज है, लेकिन यार अगर बाई चांस भगवान ने ऐसा ही लिख दिया हो, क्योंकि जोड़ियां जो होती हैं वो सिर्फ नसीब से नहीं बनती हैं, ऊपर वाला बनाता है, चाहे कितनी कोशिश लाख कोशिश हजार कोशिश जितनी हो सकती है दुनिया में कितनी कोशिश कर लेना, लेकिन कभी खाली नहीं जाएगी। पता नहीं मैंने भी कितनी लड़कियां देखी थी शादी के लिए सगाई से पहले, और इसके लिए भी मेरी पत्नी के लिए भी इसके नाना जी ने कितने लड़के देखे थे सर्विस वाले यार, यहाँ तक कि एक तो बाद में पता लगा कि मेरा कोई रिश्तेदार था दूर का, वहां भी पहुंचे थे वो लड़का देखने के लिए, लेकिन छोटी सी बात पे नहीं करना ही रिश्ता यहाँ पे। और फिर यार हाथ तो मैंने पकड़ रखा था, कौन ले जाता दूसरा बताओ। तो बस वही कहता हूं कि जोड़ियां बनाता है भगवान, और क्या पता अगर आप वैसे हो तो आगे आपकी जोड़ी अगर ऐसी हो जाए तो आप कर सकते हो जनाब, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, शायद मेरी तो 7 पीढ़ियों में पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है कि मैं छोड़ दूं इस चीज के चलते। और जिस दिन यार मैं देखने गया था उस दिन भी ऐसी तो थी भाई, इतना होगा कि उस दिन थोड़ा क्रीम पाउडर हो गया, लिपअप उठी कर ली होगी, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन पता तो लग जाता है, यहाँ कर लेगा यहाँ से लग जाएगा, यहाँ भी कर लेगा यहाँ तक कर लेगी, तो हाथों से लग जाएगा तो है नहीं कोणी तक कर लेगी, कोणी के भी कर लेगी तो पैरों के धोरी कर लेगी यार, कोई देखने से क्या पता नहीं लगता, इंसान देखना चाहे कि हाँ मुझे इस चीज को देखना है, किसी भी चीज को। लोग एक सब्जी बेचने वाला था, उसने वो सब्जी लेके गया था और सब्जी बेच रहा था, तो उसके टोकरी में जो है नींबू ले रही थी वो बहन जी, तो नींबू ले रही थी, तो उसका क्या था कि उसने कहा सब्जी वाले को, पता है यार किसी भी मोहल्ले में अगर कोई इंसान रह रहा है तो उन हस्बैंड की जो भी आपसी ताल में लोग मोहल्ले में सबको पता है रह ही जाता है, चलता ही है कि कैसा क्या हो रहा है कैसे क्या गुजर रही है इनकी लाइफ। तो सब्जी वाले ने जब वो बहन जी आई तो बोले बहन जी इस टोकरी में नींबू खराब है आप मत लो, दूसरे किसी से ले लेना। उसने अच्छे से देखा, देख के बोले नहीं तो अच्छे भी है, बोलो देख लो जी, वैसे मैं आपको मना कर रहा हूँ आप मत लो,
बोले नहीं, जो गंदे हैं मैं उनको साइड में कर दूंगी, मैं ले लूंगी। नींबू ले लिए, ऐसे टमाटर लेने लगी, टमाटर के लिए भी यही कहा उस बंदे ने, उसने टमाटर भी ले लिए। फिर और कोई ऐसे छांटने वाली चीज थी, टिंडा मान लो, टिंडे के लिए भी वही चीज हुई। जब लास्ट वो सब्जी लेके चली गई तो उस भाई साहब नहीं था वो, शायद कोई भगवान था जो उसके जीवन में सब्जी देने आए उनको, तो उन्होंने कहा, बोले बहन जी एक चीज सुन लेना मेरी, जिस तरीके से इतने बड़े से इतने से टोकरे में से आपने गंदे साइड में कर दिया, अच्छे अपने पास रख लिए, आपने ले लिए, यही चीज अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो शायद इस मोहल्ले में जो चर्चाएं चल रही हैं वो आज नहीं होती। तो इस ये बात मैं बिल्कुल सच मानता हूं यार, इंसान को अच्छाइयां देखनी चाहिए ना कि बुराई। बुराई देखते जाओ, कितना भी देखते जाओ, एक बुराई से मैं गारंटी करता हूं ऐसे है, नहीं यार इसने ऐसे भी किया था, नहीं यार वो ऐसे भी है, माइंड है। बुराई पे चलोगे तो इतना चलते जाओगे, इतना चलते जाओगे, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे, और अच्छाई में घुसेंगे तो बस अंत ही नहीं है। दुश्मनी का अंत हो सकता है, कभी भी सोचना दुश्मनी का मतलब अंत हो सकता है कि दुश्मनी खत्म हो गई, मर्डर हो गया तो, लेकिन प्रेम का कभी अंत नहीं होता, ये बात पूर्णतया सत्य है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उनका, और एक और थे यार वैसे, दोनों का लगा दूंगा मैं, एक और उन्होंने भी बहुत खतरनाक कहा था, एक मिनट में चश्मा देख लेता हूँ। हाँ ये प्रिया शर्मा थी, वाह जी वाह, चलो कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो चलो अभी आज का वीडियो कर देते हैं यहीं पे पूरा, मिलते हैं कल। और लास्ट में सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो माफ करना। और ये जो महाशय जी हैं, ये जो जनाब जी हैं, इनको मैंने कुछ बताई है, अगर सही लगी तो देख लेना जी, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे कमेंट करोगे चलेगा। अगर आपको कोई जवाब नहीं देता तो मैं भी आपको जवाब नहीं देता, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आते हैं आजकल, एक दो आते ही रहते हैं, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा जी थैंक्स जी बस, और हंसते हुए इमोजी दिल हाथ जोड़ के ये बस, और कुछ नहीं भेजता। जब मेरे पास उन्होंने कमेंट किया तो मुझे लगा हाँ ऑडियंस के अंदर हमारी इमेज है, और वैसी ही ऑडियंस हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद जी।